अल्लाहम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे आज हम जो रेसिपी इफ़ी किचन में बनाने लगे हैं वो है मटन हलीम मटन हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हम दालें लेंगे उनमें चनों की दाल हम आधा कप ले लेंगे गहम का दलिया जो गंदम का दलिया हम लेंगे आधा कप लेंगे मूँगी की दाल मैंने ली है वो भी आधा कप लेंगे मसूर की दाल भी आधा कप लेंगे और दाल माश आधा कप लेंगे ये सारी दालें हम मिक्स करके अच्छी तरह से इनको धो दो लेंगे धोने के बाद हम इनको भिगो कर रख देंगे तकरीबन तीन से चार घंटे हमने दालों को भिगो के रखना है उसके बाद हमने दालों को सिर्फ सिंपल पानी डालकर अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है ताकि हमारी सारी दालें अच्छी तरह से गल जाएँ मटन लीम बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत ही मज़े का बनता है आपकी फ़ैमिली इसको ज़रूर पसंद करेगी मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी डालकर एक कढ़ाई में दालों को डालकर मैंने रख दिया है अब ये पकती रहेंगी और आप भी भूल जाएं और अपने घर के बाकी काम करने लग जाए आहिस्ता आहिस्ता आपकी दालें बनती रहेंगी हल्की आज पर आपने दालों को गलाना है क्योंकि अगर आप तेज़ आँच करेंगे तो दालों का पानी बॉयल होगा और उबल के आपके चूल्हे के ऊपर गिरेगा और आपका चूल्हा भी गंदा हो जाएगा अब मैंने दो तीन घंटे के बाद दालों को देखा है दालें मेरी बिल्कुल गल चुकी हैं मैं फिर भी पानी को ज़रा थोड़ा ड्राई करने के लिए और थोड़ा सा इसको पका लूँगी ताकि दालें और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब एक साइड पे दालें हमारी गाल रही हैं और दूसरी साइड पे हम अपना मटन तैयार कर लेंगे मटन तैयार करने के लिए मैंने हड्डी वाला मटन लिया है चाहे आप बोनलेस ले लें चाहे हड्डी का गोश्त ले लें एक किलो गोश्त लेना है उसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है एक किलो गोश्त डालने के बाद बाकी इसमें हम सारे मसाले डालेंगे अब हमने इसमें पानी डाल देना तकरीबन आप दो ग्लास इसमें पानी डाल दें फिर मैंने साबुत हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं अदरक लहसन का पेस्ट तकरीबन मैंने चार टेबल स्पून मैंने अदरक लहसन का पेस्ट डाला है तीन मैंने इसके अंदर प्याज काट करके डाले हैं दो बड़े टमाटर मैंने इसके अंदर काट करके डाले हैं तो आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दें इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे मसालों में मैंने सूखा धनिया तीन टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है तीन टेबल स्पून ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है ये कोई ज़्यादा नहीं है आप इसको एज इट इज ई में रखिएगा फिर मैंने इसके अंदर करी पाउडर डाला है दो टेबल स्पून और दो टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर हल्दी का पाउडर डाला है और मैंने इसके अंदर दो टेबलस्पून गरम मसाला डाला है और अब मैंने साबुत गरम मसाला ऐड करने लगी हूँ जिसमें दो कड़ी पत्ते हैं तीन चार टुकड़े दालचीनी के छोटी इलायची लौंग हैं दो चार और काली मिर्चें हैं और थोड़ा सा दो टे दो टेबल स्पून तकरीबन इसमें ज़ीरे का मैंने ऐड कर दिया अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम गलने के लिए रख देंगे मैंने इसके ऊपर दस मिनट का प्रेशर लगाया था अगर आप प्रेशर के बगैर भी करना चाहते तो आप प्रेशर के बगैर भी अपने आपका जो गोश्त है उसको गला सकते हैं लेकिन मैंने इसको प्रेशर कुकर में गलाया तो ये बहुत ही अच्छी तरह गल जाएगा और इसके रेशे रेशे बन जाएंगे अब एक साइड पे जो हमारी दालें गल गई थी उनको ठंडा करने के बाद मैंने उसको बीटर के साथ अच्छी तरह से बीट कर लेना ताकि दालें हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और उसका जो एक हलीम का हमें टेक्सचर चाहिए होता है वो वाला टेक्सचर उस उन दालों का हमें मिल जाएगा अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप इसको वैसे भी घोटने के साथ लेके भी अच्छी तरह से घोट सकते हैं तो आपकी दालें तब भी बहुत अच्छी से रेडी हो जाएंगी ये तो एक जल्दी वाला तरीका है आप अगर जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आप बीटर के साथ इसको बीट कर लें फ्रेंड्स ये बीटर घर में ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये अक्सर हमें हम इसको यूज़ करते हैं ये बहुत काम की चीज़ होती है इसलिए आपके पास अगर नहीं है तो आप इसको ख़रीद लें ये सस्ता सा आता है अब दूसरी साइड पे मैं हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल गया है मैंने प्रेशर को खोल लिया है और अब हम, हम इसको भूनेंगे इसके अंदर मैंने दो कप ऑयल के डालकर इस गोश्त को अच्छी तरह भून लेना आप जैसे कि देख रहे हैं वीडियो के अंदर गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है इसके बिल्कुल रेशे रेशे हो गए हैं क्योंकि ये गलने में ही रेशे रेशे हुए ना कि मैंने इसको अलग से किसी फोक की मदद से मैंने इसके रेशे बनाए ये खुद ब खुद ये मटन का गोश्त इतना गल गया था कि इसके खुद ही रेशे बन गए इसको बस आपने अच्छी तरह से भून लेना हल्की आग के ऊपर इसको आप बहुत अच्छी तरह से दस से पंद्रह मिनट तक इसको अच्छी तरीके से भूनें फ्रेंड मैं शुरू में नमक डालना इसके अंदर भूल गई थी तो मैंने अभी स्टेज पे इसके अंदर नमक डाला मैंने एक टेबलस्पून नमक डाला है अगर आप लोग ज़्यादा नमक खाना पसंद करें तो आप इसमें ज़्यादा नमक भी ऐड कर सकते हैं लेकिन हमारे घर में नमक को कम खाया जाता है तो इसलिए मैंने एक टेबलस्पून नमक ऐड किया है क्योंकि इसके अंदर बाद में दालें भी ऐड की जाएंगी तो इसलिए ये मसाले उसके साथ जा बिल्कुल सही हो जाएंगे जब हमने नमक ऐड कर दिया तो जो दालें थी उनको भी अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो दालें हमने बीट करके रखी थी वो भी ऐड करके उनको भी इसके साथ मिक्स करके अच्छी तरह से हल्की आँच के ऊपर हम लेंगे। इन दालों को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको हल्की आग के ऊपर आप इन दालों को अच्छी तरीके से भून लें देखिए फ्रेंड्स जब हम हलीम हाँ को बनाते हैं तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी जब हम दालें ऐड करते हैं आधा आधा कप भी जब हम दालों को ऐड करते हैं तो वो दालें मिलके बहुत ज़्यादा बन जाती हैं फिर बाद में वो फूल भी जाती हैं तो इसलिए जब भी हलीम बनता है तो बहुत ज़्यादा ही बनता है आप इसको किसी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपने किसी फ्रेंड्स के वगैरह के साथ नहीं शेयर करना तो फिर आप इसको फ्रीज करके रख लें जब नेक्स्ट टाइम आपने यूज़ करना हो तो उसको तड़का लगाएँ अच्छा सा इसकी ड्रेसिंग तैयार करें और इसको फिर साथ में सर्व कर दें तो हलीम जो जब भी बनाते हैं ये दो तीन दफ़ा के लिए तो ज़रूर बन ही जाता है प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा लें जी हमारा हलीम बिल्कुल रेडी है अब हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे हमने प्याज लिया है दो प्याज मैंने कट कर लिए हैं आपने जितनी ड्रेसिंग तैयार करनी है आपके लिए एज यू विश आप उतनी ही कीजिए दो प्याज का कट करके हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे रेड कर लेंगे और साथ में जो बाकी इसका ऑयल बचेगा वो हम इसके तड़के के लिए यूज़ करेंगे जी फ्रेंड्स हमारा जो प्याज है वो गोल्डन हो गया है अब हम इसको प्याज को एक साइड में प्लेट में निकालेंगे और बाकी थोड़े से प्याज और ऑयल का तड़का हम अपने हलीम के अंदर लगा देंगे हलीम को किया इधर और ले जी अब हमने इसके अंदर तड़के को ऐड कर दिया देखें कितनी ख़ूबसूरत इसकी शक्ल आई है कितना ये मज़े का कितना ये यमी लग रहा है आप इसको नान के साथ रोटी के साथ पराठे के साथ जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी खाइएगा आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी प्लीज़ फ़्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर करना तो मत भूलिए फ्रेंड्स अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड किया है हरे धनिया को ऐड करके अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें मिक्स करने के बाद इसको मैंने सर्व किया है और सर्व करने के लिए मैंने जो ड्रेसिंग ली है उसमें रेड अनियन खीरा और टमाटर लेमन है आप इसको इस तरीके से सर्व करें अगली वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह